दो दिनों से लापता युवक की चिनिया के चपकली जंगल में मिली लाश, पुलिस छानबीन में जुटी। गढ़वा के चिनिया थाना पुलिस ने शनिवार को एक युवक का शव बरामद किया था। पुलिस ने शव को चपकली जंगल से बरामद किया। शव की पहचान दो दिनों से गायब पिकअप वैन चालक गढ़वा निवासी रवि रंजन कुमार चौधरी के रूप में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक के चेहरे पर हथियारों ने पत्थर से बुरी तरह कुच दिया था और उसके सिर में गोली के लगने के निशान हैं। शव लेकर परिजनों ने प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार दल बल के साथ पहुंचे और शव उठाकर पोस्टमार्टम हाउस लाकर पोस्टमार्टम कराए। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को पिकअप वैन लेकर चिनिया की ओर गया था, जो लौट कर नहीं आया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, नहीं मिलने पर थाना को सूचित किया गया। शनिवार की सुबह जंगल में लकड़ी चुनने गए ग्रामीणों ने उसके शव को देखा और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।